मॉर्निंग चिल्ड्रन, यू आर वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। नाउ लेट अस एंजॉय द मैथमेटिक्स। योर फर्स्ट टॉपिक इज हाउ डू वी राइट द नंबर्स इन वर्ड्स। नंबर को वर्ड्स में कैसे लिखना है, आज फर्स्ट टॉपिक हम इसको डिस्कस करेंगे। तो हाउ डू वी राइट द नंबर इन वर्ड्स। अगर नंबर को हमें वर्ड्स में लिखना है तो सबसे पहले आप जब क्लास में होते हैं तो आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, और फ्रेंड्स होते हैं तो उनके नाम भी आपको याद रहते हैं। तो इसी तरह अगर हमें किसी नंबर को वर्ड्स में लिखना है तो हमें कुल 9 फ्रेंड्स के नाम याद करना होंगे। अगर आपने अपने 9 फ्रेंड्स के नाम याद कर लिए तो यू कैन इजीली राइट द नंबर इन वर्ड्स। आप नंबर्स को वर्ड्स में लिख सकते हैं। तो वो 9 फ्रेंड्स जो आपके क्लास में हैं, वो समझ लीजिए अगर आपको नेम दिए थे तो आप इस टॉपिक में बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो सी द 9 फ्रेंड्स, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैक, 10 लैक। ये 9 फ्रेंड्स अगर आपको याद हो गए तो आप ये समझिए कि आप वर्ड्स में नंबर को लिखने में कामयाब हो जाएंगे। फर्स्ट प्लेस वंस, सेकंड प्लेस टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैक और 10 लैक। अब सी हाउ डू वी राइट इन वर्ड्स। फॉर एग्जांपल योर नंबर इज 5, 6, 8, 3, 5, 3, 5। ये आपका नंबर है 5, 6, 8, 3, 5, 3, 5। ये आपके नंबर्स हैं और इसको हमें वर्ड्स में लिखना है। तो हम अकॉर्डिंग टू प्लेस इनको सिर्फ करते आएंगे। वंस प्लेस 5, टेंस प्लेस 3, हंड्रेड प्लेस 5, थाउजेंड प्लेस 3, फिर 10,000 प्लेस 8, फिर लैक और 6 लैक्स। इट्स वेरी सिंपल। जब इसको अरेंज कर लेंगे राइट द नंबर इन वर्ड्स 56,53,535। बस आपको प्लेस याद करना है। ये आपके नाम फ्रेंड्स हैं, आपको फ्रेंड्स के नाम याद करना है। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैक, 10 लैक। अगर आपने अपने फ्रेंड्स के नाम याद कर लिए तो आप अपने नंबर को राइट टू लेफ्ट लिखते चले आइए प्लेस बाय प्लेस और उसको फिर कमाइन कर दीजिए। 56,83,535। अब जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करने आते हैं तो शुरू के फर्स्ट 4-5 क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन होते हैं लास्ट वाले वो बहुत टफ होते हैं। तो उसमें थोड़ा सा क्रिटिकल आपने देखा होगा एक्सरसाइज के शुरू के कुछ क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, लास्ट के जो 3-4 क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा टफ हो जाते हैं, जिसमें बच्चे डर जाते हैं। उसमें डरना नहीं है, अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन आती है तो उसको आपको फेस करना है। बहुत सिंपल होता है। जैसे हम सेकेंड एग्जाम में ले रहे हैं, जैसे ये आपके फ्रेंड थे जिनको हम ये प्लेस वाइज शिफ्ट कर दिए वंस, टेंस, हंड्रेड। अगर किसी को हम ले शॉर्ट फॉर्म में हमें लिखना है वो फॉर वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैक, 10 लैक। अब मान लीजिए कोई नंबर है, मान लीजिए 5, 6 और 8, 3 नंबर 0, 0 आ गया और यहाँ पर आ गया 5, 3, 5। तो हम लोग डर जाते हैं कि हाउ डू वी राइट इट, हम इसको कैसे रीड करें, कैसे वर्ड्स में कन्वर्ट करें, क्योंकि यहाँ पर 0, 0 आ गया है। इट्स वेरी सिंपल। जिस पीरियड पर
प्लेस पर जीरो जीरो आए उस प्लेस का नाम हमको नहीं पढ़ना है, उस प्लेस के नाम को जंप कर जाना है। जैसे ये हो गया आपका 56 लाख 56 लाख, अब 1000 की प्लेस पर जीरो जीरो है तो इसको छोड़ देना है, इसको नहीं पढ़ना है, और सीधे 535 सिंपल। इसी तरह अगर किसी भी प्लेस पर जो है जीरो आता है तो जिस प्लेस पर आएगा उस प्लेस के नाम को हमको पढ़ना है। एक एग्जांपल और, फॉर एग्जांपल 100 की प्लेस पर जीरो आ जाए, 100 की प्लेस पर जीरो आ जाए तो नंबर बन जाएगा 56 लाख, 1000 पे जीरो है मिस कर दिया, फिर यहां 500 था तो 100 का नाम आ जाएगा, 500 भी पढ़ना है, 56 लाख 35 तो चाहे आपके स्टार्टिंग के इजी क्वेश्चन हो चाहे लास्ट के डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, सिर्फ एक ही दो ट्रिक को इस्तेमाल करेंगे आप पूरे नंबर वर्ड्स में कन्वर्ट कर लेंगे।